हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ विद्यामंदिर क्लासेस से। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट 2020 की, राइट? तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, दे कुड हैव बीन अ लिटिल सरप्राइज्ड कि विद्यामंदिर नीट। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड बी अवेयर दैट विद्यामंदिर स्टार्टेड द प्रोग्राम फॉर मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन अबाउंड 2.5 ईयर्स बैक, एंड वी हैव बीन doing very very good in this the same, right? तो जिस pedagogy से, जिस methodology से विद्यामंदिर start हुआ था, same pedagogy से methodology को हम लोग medical में लेके आए हैं। और आज हम लोग 2020 के medical entrance यानी NEET की बात करते हैं। तो NEET 2020 के बारे में अगर हम देखें तो National Eligibility कम Entrance Test, जिसको हम NEET के नाम से जानते हैं, ये एग्ज़ाम दो तरीके के लिए होता है, एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए और एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। हम लोग बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, विच मीन्स NEET नीट UG प्रोग्राम्स, राइट? तो दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाई NTA दिस ईयर, एंड नाउ यू नो दैट दिस NEET हैज़ रिप्लेस्ड ऑल द रीजनल एंट्रेंस टेस्ट विच वर हैपनिंग इन the various states of medical entrance, or you can also say that this test has replaced All India pre-medical test, which was known as AIPMT or PMT for the states, right? Now let us look forward कि क्या हम लोग NEET 2020 के बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग NEET के pattern की बात कर रहे हैं। NEET का exam जो है, it will be a 3-hour exam, 3 घंटे का इम्तहान होने जा रहा है, जैसे होता है, कोई चेंज नहीं है इसमें। एग्ज़ाम इस बार सिर्फ ऑफलाइन होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एग्ज़ाम को करा रही है और एग्ज़ाम इस बार सिर्फ ऑफलाइन मोड में है, राइट? एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आते हैं, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आएंगे, सिमिलरली जो है बॉटनी के 45 और जूलॉजी के 45 क्वेश्चंस आएंगे। यानी आप टोटल देख सकते हैं 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 जूलॉजी एंड 45 बॉटनी, यानी कुल मिला के 180 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में, यानी 3 hours, विच मीन्स 360 minutes एंड 180 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, यानी यू हैव 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट? मार्किंग स्कीम कैसी है? मार्किंग स्कीम भी सेम है। मार्किंग स्कीम है +4 and -1। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको +4 marks मिलेंगे, आपसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपको -1 mark मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 marks मिलेगा। मतलब उस केस में ना तो आपका कोई मार्क डिडक्ट होगा और ना आपको कोई मार्क अवार्ड होगा। तो मार्किंग स्कीम हो गई +4 and -1। टोटल क्वेश्चंस के मार्क्स, जो टोटल पेपर के मार्क्स हो गए, वो 720 marks हो गए, यानी 180 क्वेश्चंस, 4 marks ईच। तो टोटल मार्क्स जो हो गए वो 720 हो गए। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है जो नीट 2020 के लिए है, जो कि सेम है जो प्रीवियस ईयर्स में हो रहा था। अब हम लोग नीट 2020 के और जो बात करते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन बच्चे इस इम्तहान को दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं नीट 2020 को लिख सकते हैं। तो नीट 2020 को लिखने के लिए अगर आप देखिए तो स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड 10+2, यानी 12वीं पास या 12वीं की इक्विवेलेंट पास कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आपने 12th किया हुआ होना चाहिए। द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 50% इन जनरल कैटेगरी, यानी आपकी क्लास की 12th के एग्जामिनेशन में यू शुड हैव स्कोर्ड 50%, यानी 12वीं की परीक्षा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो कैंडिडेट्स SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके 40% मार्क्स होने चाहिए, जो लोग OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके 45% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th बोर्ड में। अभी इस साल के लिए देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर NTA, मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NEET नीट 2020। हाउएवर द मिनिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन इज 17 ईयर्स, यानी अगर आप 17 साल से कम उम्र के हैं
तो आप इस इम्तहान को नहीं दे सकते। अपर एज लिमिट नीट 2020 के लिए कोई नहीं रखी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बोर्ड में आपके जनरल कैटेगरी में 50% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में आपके 40 या 45% मार्क्स होने चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। तो नीट 2020 का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स और कब है, कब फॉर्म आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम हो रहा है, सारी चीज़ें। कंडक्टिंग बॉडी इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA है। जैसे कि आप जानते हैं कि NTA के फॉर्मेशन के बाद अब सारे इम्तहान NTA करा रही है, उससे पहले CBSE एग्ज़ाम को कराया करती थी। एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन है, मैंने आपको बताया कि पेन एंड पेपर बेस्ड है, इट इज़ ओनली पेन एंड पेपर बेस्ड, कोई CBT या ऑनलाइन एग्ज़ाम ये नहीं है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इतने ऑप्शंस आपके पास लैंग्वेज के हैं जिसके अंदर ये पेपर अवेलेबल होगा। पेपर अवेलेबल होगा इंग्लिश में, हिंदी में, SMEs में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ा में और उर्दू में। तो दीज आर द लैंग्वेजेस इन विच द नीट 2020 पेपर विल बी अवेलेबल टू यू। तो यू कैन चूज योर ओन लैंग्वेज विच एवर सूट्स यू द बेस्ट फॉर विच इन विच इन विच विच मीडियम यू आर स्टडिंग और विच इज योर मदर टंग, वट एवर इट सूट्स यू बेस्ट, यू कैन चूज एनी ऑफ दिस लैंग्वेज टू राइट द पेपर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 3 hours, टोटल मार्क्स इज गोइंग टू बी 720, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 180, नेगेटिव मार्किंग इज येस, एंड इन नेगेटिव मार्किंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज +4 एंड -1, राइट। एंड द सब्जेक्ट सेक्शंस आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, विच मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, राइट। Now, this is the most important thing which you need to remember, जिसके लिए हमने majorly आप कह सकते हैं कि हम आपको आज ये वीडियो बताने आए हैं कि NEET 2020, NEET 2020 के forms जो हैं 2 दिसंबर को release हो रहे हैं। Forms of NEET 2020 is being released on 2nd December 2019. तो 2 दिसंबर को ये form आ जाएंगे, आप इस form को ले तुरंत भरिए, जितनी जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। Last date form को भरने की है 31 दिसंबर 2019, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 31 दिसंबर 2019। हम विद्या मंदिर की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को भरिए। 2 तारीख को फॉर्म आ जाएगा, मेरे हिसाब से आपको पहले 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म भर लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई लास्ट मिनट हिकअप ना रहे, ठीक है। फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, सारे एंटिटीज़ को ध्यान से देखिएगा। नीट का एडमिट कार्ड हॉल टिकट जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाते हैं, हॉल टिकट आपको 27 मार्च 2020 को आ जाएगा आपके पास। यू विल गेट द हॉल टिकट द एडमिट कार्ड बाय 27th March 2020, राइट। सो कीप नोटिंग दीज डेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। NTA का एग्जाम किस दिन है, नीट का एग्जाम किस दिन है, आपके लिए जो डी डे है वो कौन सा है, वो डेट आपके लिए है 3rd May 2020। 3 मई 2020 को आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को सच कर सकते हैं और इस इम्तहान को लिख सकते हैं। यू कैन मेक द ड्रीम ऑफ यू योर पेरेंट्स योर फैमिली ट्रू टू बी ए डॉक्टर ऑन 3rd May 2020, राइट। एंड द रिजल्ट्स फॉर द सेम विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 4th June 2020। तो ठीक 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, 4 जून 2020 को। तो आपको लिए ये डेट सारी इंपॉर्टेंट हैं कि आपका फॉर्म आएगा 2 दिसंबर को, 31 दिसंबर से पहले इसको भर देना है। मैंने कहा कि विद्या मंदिर एडवाइस करती है कि आप शुरू के 1 हफ्ते में यानी 10 तारीख तक इस फॉर्म को भर लें, उसके बाद जो इसके एडमिट कार्ड हैं 27 मार्च को आ जाएंगे, एग्ज़ाम 3 मई को होगा और रिजल्ट 4 जून को आएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको ध्यान रखने के लिए। तो ये डेट्स हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई जो हम 2020 के बारे में आपको बताना चाहते थे। विद्या मंदिर क्लासेस जो नीट का प्रीमियम इंस्टीट्यूट हो गया है, उस वो आपके लिए बहुत जल्दी टिप्स लेके आ रहा है। फिजिक्स के टिप्स फॉर नीट 2020, केमिस्ट्री के टिप्स फॉर नीट 2020, जूलॉजी के टिप्स फॉर नीट 2020 एंड बॉटनी के टिप्स फॉर नीट 2020। तो सारे लोग, आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन टिप्स को ज़रूर देखिए जो वीडियो रिलीज़ होंगे आने वाले समय में। वो वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके 2020 के नीट के एग्ज़ाम को लिखने के लिए। जब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ सौरभ वंस अगेन फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। गुड बाय।